हलासन और पूर्णतासन के बीच अंतर और बेनिफिट्स। पीठ के बल लेट जाएं, कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए जॉइंट लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं, सावधानी पूर्वक ऊपर उठाएं। जब पैर उठ जाए तब कुछ क्षण के लिए रुके, फिर धीरे धीरे जॉइंट लेग्स को एक साथ हेड की तरफ बेंड करते हुए फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। दोनों हाथों को बैक के पीछे फ्लोर पर टिकाएं। हाथों को समानांतर रखें। यह है हलासन योगा पोज। वेंस और आर्टरीज में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, बैकबोन को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ब्रेन की फंक्शन इम्प्रूव होती है, साथ में यूट्रस डिसीज ठीक होती है। हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी के लिए आप हलासन योगा पोज अवश्य करें। फेफड़ों में खूब फैलने की शक्ति आती है, सारा शरीर लचीला कांतिवान और फुर्तीला बनता है, कमर कंधे जांघे दृढ़ होते हैं, मस्तिष्क की शक्तियों का विकास होता है। इस तरह इसके अनगिनत फायदे हैं। यह पोज थायराइड डिसीज को भी दूर करता है, डायबिटीज को दूर करने में सहायक होता है। जो लोग हलासन योगा पोज डेली करते हैं उनके पास मोटापा नहीं आता है, यह 100% गारंटी है। लेकिन ध्यान रहे, प्रेगनेंसी के दौरान इस पोज को करने से बचें। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है वे लोग भी हलासन योगा पोज कृपया करके ना करें, नहीं तो अंगों को नुकसान पहुंचेगा। पहले बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करें, फिर हलासन योगा पोज डेली करें। दोनों हाथों को अपनी हेड की तरफ ले जाएं और पैरों की पंजों को पकड़े। यह है पूर्णोत्तासन योगा पोज। पूर्णोत्तासन योगा पोज की सेम फायदे हैं। पूर्णोत्तासन योगा पोज ठीक हलासन योगा पोज की ही तरह समान फायदा पहुंचाता है, लेकिन इन दोनों पोज में बहुत ज़्यादा अंतर है, लोग समझ नहीं पाते हैं। पूर्णोत्तासन योगा पोज को भी हलासन योगा पोज कहते हैं, इसलिए आज मैं दोनों का अंतर आपको बताई हूँ। इस योगा पोज को करने से स्ट्रेस एंग्जाइटी रिड्यूस होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। धीरे धीरे सावधानी पूर्वक दोनों लेग्स को ऊपर उठाते हुए स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड के लिए पूर्णोत्तासन और हलासन योगा पोज आप अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, मैं जल्द ही आ रही हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।